हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं मेरे आज की रेसिपी जो है स्पाइसी मसाला भिंडी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पे मैंने भिंडी ले लिया है, इसे मैंने कट कर लिया है। इसे इसी तरह से पीसेस में कट करें, इसे ज़्यादा छोटे पीसेस में ना कट करें। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा रखा हुआ है। चलिए अब हम इसमें भिंडी डाल देते हैं। अब हमें इस भिंडी को हल्के हाथों से ही घुमाना है, इसे ज़्यादा ना चलाएं, इसे थोड़े देर पकने दें, उसके बाद ही थोड़े थोड़े देर में ही इसे चलाएं। और ध्यान दें आपके गैस का फ्लेम जो हो वो मीडियम हाई में रखें। ज़्यादा चलाने से क्या होगा कि भिंडी टूटना स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए इसे ज़्यादा ना चलाएं, थोड़े थोड़े देर में ही इसे चलाएं। देखिए इसका कलर कितनी अच्छे तरीके से चेंज होने लगा है। देखिए इसका मतलब है हमारी भिंडी यहाँ पे फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल देती हूँ। इस तरह से निकालने से क्या होगा, इसमें बचे हुए तेल रह जाएंगे जो हम मसाला फ्राई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारी भिंडी कितनी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब चलिए कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल और डाल देती हूँ। अब हम इसे गर्म होने देते हैं। थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए और यहाँ पे मैंने दो कटे हुए हरे मिर्च डाले हैं। अब चलिए इसमें हम कटे हुए प्याज डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज लिया हुआ है। अब हम इस प्याज को अच्छे से फ्राई कर देंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। एक बार ये प्याज फ्राई हो जाता है तो हम इसमें धीरे धीरे करके मसाले डालना शुरू करेंगे। इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है 1 टीस्पून। इसे मैं थोड़ी देर फ्राई कर लेती हूँ। वन स्पून मैंने धनिया पाउडर डाला यहाँ पे। हाफ स्पून जीरा पाउडर, हाफ स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ स्पून हल्दी का पाउडर, और 1 स्पून लाल मिर्च का पाउडर। अब इन मसालों को अच्छे से फ्राई करें। कम से कम 1 मिनट तक फ्राई करें। चलिए अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर का पेस्ट बना के रखा था, वो हम इसमें डाल देते हैं। अब इन मसालों को कम से कम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करें जब तक मसाले तेल ना छोड़ना स्टार्ट कर दें। इसे अच्छे से फ्राई कीजिए।
कि हमारे मसाले कितने अच्छे से तेल फ्राई हो चुके हैं, इसमें तेल भी साइड साइड से आने लगा है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, हाफ गिलास अब कम से कम पानी डालिए इसमें। अब हम इसमें भिंडी डाल देते हैं। अब हमें इस भिंडी को ज़्यादा नहीं चलाना है, इसमें बस मसाला जाना चाहिए। इसके लिए हम इसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक ढक के रख देंगे। चलिए अब हम इसे ढक के रख देते हैं। लीजिए, हमारा से 3 से 4 मिनट हो चुका है, हमारी भिंडी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें और खाएं। इसे आप चाहे तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने वैल्यूबल कमेंट्स हमें ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।